नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही महीने बचे हैं। प्रदेश में इसका साफ असर भी नजर आने लगा है। जनता का भरोसा जीतने और जातीय व क्षेत्रीय समीकरण बनाने में भी सभी राजनीतिक दल लगे हुए हैं। क्षेत्रीय समीकरण को सुधारने के लिए सभी दल मैदान में कूद पड़े हैं। लगातार सक्रिय चल रही सभी दलों की चुनावी रैली भी जोरों शोरों से जारी है। भाजपा, कांग्रेस, सपा सहित छोटे दल चुनावी मैदान में अपनी ताकत झोंकने में लगे हुए हैं। चुनाव को लेकर जनता का मूड क्या है, ये जानने के लिए प्राइम टीवी की टीम भी मैदान में आ गई है। देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं सुंदरम सिंह। योगी सरकार के 4.5 वर्ष पूरे होने के बाद आज हम जनता के बीच जानने के लिए आए हैं कि योगी सरकार के कार्यों से कितना संतुष्ट हैं और योगी सरकार के कार्यों के बारे में उनकी क्या राय है। आज हमारे साथ बात करने के लिए एक जनता के कुछ लोग मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं कि क्या उनका विचार है योगी सरकार के कार्यों के बारे में। रात का शुभ नाम। मेरा नाम अजय कटियार है। योगी सरकार के जो 4.5 वर्ष पूरे हुए हैं उसमें योगी सरकार के जो कार्य रहे हैं उसके बारे में आप कितना संतुष्ट हैं? नहीं, योगी सरकार तो ठीक है, लेकिन उनके हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं इस जिले के और जो अधिकारी हैं वो उनके सब कामों पे पलीता लगा रहे हैं। सड़क यहाँ पे सड़क नहीं है, फर्रुखाबाद जिले में गड्ढे हैं। गड्ढों में सड़क है, सड़कों में गड्ढे नहीं है। ऐसा शायद कोई भी जनपद होगा जहाँ जितनी खराब स्थिति होगी। इतने DM आए, सब अधिकारी रोज निकलते हैं, लेकिन शहर की दशा सुधरने वाली नहीं है। पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है, हर समस्या ही समस्या है। योगी जी क्या कर लेंगे, अकेले कुछ नहीं कर सकते। और जो महंगाई बढ़ती जा रही है, सिलेंडर के दाम आसमान छू रहे हैं, इसके बारे में? देखिए, महंगाई तो हर शासन में बढ़ती है। महंगाई कोई ऐसी चीज़ नहीं है, महंगाई अगर कहीं से कोई चीज़ बढ़ रही है, सब्जी के दाम बढ़ रहे हैं तो मेरे किसानों को फायदा हो रहा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो पैसा हमारा, जो टैक्स हम लोग दे रहे हैं, उसका सदुपयोग तो हो। ये अधिकारी सब पैसा खा जाते हैं, जनप्रतिनिधि हमारे सो रहे हैं, उनको कमीशनबाजी से ही फुर्सत नहीं है। अब की चुनाव आएगा, बीते के इनके ऊपर, लेकिन असर उनके योगी जी पे पड़ेगा। योगी जी बहुत अच्छे इंसान, बहुत अच्छे लीडर, उनके जैसा अभी तक ना आया, ना शायद आएगा भी नहीं। लेकिन जो अधिकारी यहाँ की जनप्रतिनिधि इतने नकारा हो चुके हैं कि कोई जनता की सुनने वाला नहीं है। हमारे साथ बात करने के लिए जनता कुछ लोग और भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी, आपका क्या नाम है? रोहित दीक्षित। आप योगी सरकार के 4.5 वर्ष के जो कार्यकाल रहा है उसमें आप कितना संतुष्ट हैं, और आपके हिसाब से योगी सरकार का जो कार्य है उसको आप किस तरीके से आंकते हैं? उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किए हुए 4.5 वर्ष के कार्यों से मैं पूर्ण रूप से संतुष्ट हूँ। कहीं ना कहीं जो एक सबसे बड़ी समस्या है वो है महंगाई। महंगाई अपने चरम पर है और सिलेंडरों की दाम बहुत ज़्यादा है, जिस वजह से आम जनता को बहुत परेशानी हो रही है। और ख़ासकर हमारे ज़िले में सड़क के बारे में जो बोला गया है वो बिल्कुल सही है कि सड़कें टूटी हुई हैं पूरी तरीके से। जनप्रतिनिधि कहीं भी इस चीज़ को नहीं देख रहे हैं, और हमारी सरकार और बाबा योगी आदित्यनाथ जी बहुत अच्छे हैं और सरकार हमारी फिर से बनेगी। आपने देखा कि जो फर्रुखाबाद की जनता है वो योगी सरकार से संतुष्ट नजर आ रही है, लेकिन लोकल जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे उनका रुझान हटा हुआ है। उनका यही करना है कि लोकल जनप्रतिनिधि अपने सिर्फ कमाई में लगे हुए हैं, जनता की समस्याओं को दरकिनार कर अपने कार्यों में सिर्फ लगे हुए हैं। हमारे साथ कुछ टेम्पो चालक मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि उनके रोजगार के ऊपर क्या फर्क पड़ा है जब से डीजल पेट्रोल की महंगाई बढ़ी है, और योगी सरकार के कार्यों के बारे में उनकी क्या राय है। हमारे साथ आपका क्या नाम है? सदानंद। आप क्या करते हैं? टेम्पो चालक है। अच्छा, डीजल जो महंगा होता चला जा रहा है, इससे आपके रोजगार पे क्या फर्क पड़ा है? तो डीजल अभी थोड़ा कम हो गया है। हाँ, और आपके हिसाब से अभी और भी कम होना? हाँ, थोड़ा और कम हो तो सही रहेगा। और जो योगी सरकार का 4.5 वर्ष का कार्यकाल रहा है उसके बारे में आपकी क्या राय है? हाँ, कुल मिला के सही है, सही काम हुआ उनके। तुम बताओ। और आपका क्या नाम है? राजीव। अच्छा, आप क्या करते हैं? टेम्पो चलाते हैं। अच्छा, तो आपका क्या रुझान है योगी सरकार के 4.5 वर्ष के कार्यकाल के बारे में? वो तो सही है, खैर ने डीजल पेट्रोल पे थोड़ा पैसा महंगा मार पड़ी है, सवारी पैसे नहीं दे, पैसेंजर जो बैठते हैं वो जरा नोक झोंक उनसे हो जाती है कि मान लो डीजल पेट्रोल के जो भी दाम हैं फोन पे बढ़ाए हमने, पैसेंजर से पैसे भी बढ़ाए, उनसे थोड़ा नोक झोंक होती है। और तो वैसे सरकार सही काम अपना कर रही है, लेकिन यहाँ के जो नीचे के लोग, अधिकारी लोग हैं वो थोड़ा, उनमें हमें थोड़ी प्रॉब्लम होती है उनसे। हाँ, गाड़ियों के कागज़ वगैरह हैं वो नहीं बन पा रहे हैं, और उसकी वजह से हम लोगों को दिक्कत होती है। चालान वालान बहुत महंगे कर दिए गए हैं, इस वजह से हमको बहुत बड़ी परेशानी आती है। तो सरकार के कामकाज से आप खुश हैं? हाँ, सरकार के तो काम से संतुष्ट हैं फिलहाल में, राशन पानी वगैरह तो सब सही है।
और कोई दिक्कत नहीं आ रही है। फरुखाबाद से प्राइम टीवी के लिए सुंदरम सिंह। उत्तर प्रदेश चुनाव 2022 का आगाज हो चुका है। योगी सरकार जहां माफिया, अपराध, राम मंदिर और सड़कों को लेकर चुनावी मैदान में है, वहीं विपक्षी पार्टियां लगातार जो है महंगाई, बेरोजगारी और किसानों के मुद्दे को लेकर लगातार सरकारों पर हमले कर रही हैं। हमारे साथ इस समय कुछ युवा है। हम प्राइम टीवी की टीम इस समय 180 सदर विधानसभा रायबरेली के इंदिरा नगर मोहल्ले में मौजूद हैं। हमारे साथ कुछ खिलाड़ी हैं, आइए जानते हैं इस चुनाव के बारे में उनकी क्या राय है। सर, क्या परिचय है? रंजन यादव, मुंशीगंज। सरकार से आप कितना? वर्तमान सरकार की नीतियों से हम किसान, मजदूर, व्यापारी, युवा बहुत परेशान हैं। सरकार कह रही है हमने अपराध खत्म कर दिया। सरकार कुछ नहीं कह रही है। आज किसान की हालत देख लीजिए, उसका धान कटा है और किस रेट में खरीदा जा रहा है, उसको खाद नहीं मिल रही, उसको बिजली नहीं मिल रही, पानी नहीं मिल रहा। कहाँ सरकार क्या कह रही है आपकी? वर्तमान सरकार को आप कितने नंबर देना चाहते हैं? हम 0 दे रहे हैं। सरकार जाएगी, सरकार जाएगी, ये कहना है इनका। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, आइए जानते हैं इनका क्या कहना है। क्या परिचय आपका? उमेश त्रिपाठी। वर्तमान सरकार से क्या है आपको कहना? चूँकि चुनाव नज़दीक है, सभी दलों की पार्टियाँ जो है वो विभिन्न वादों के साथ मैदान में। हम लोग विकास के साथ हैं, जो पार्टी विकास करेगी उसको वोट दिया जाएगा। वर्तमान सरकार से आप कितना संतुष्ट हैं? सरकार, प्रेजेंट सरकार से कोई संतुष्ट नहीं रहता। हर आदमी का अपेक्षाएं बढ़ती रहती हैं, जो जितना करता है उससे उतनी अपेक्षाएं बढ़ती हैं। सर, क्या परिचय है आपका? अनिल यादव। वर्तमान सरकार चुनाव में विकास के मुद्दे और अपराधियों और माफियाओं के गठजोड़ को खत्म करने के लिए मैदान में है। हर मुद्दे पर फेल है सरकार, हर मुद्दे पर सरकार फेल है। सरकार तो कह रही है कि हमने अपराध खत्म किया है, सड़कों का जाल बिछाया है। ना के सिलेंडरों की स्थिति देख लीजिए क्या है, सब पड़े हुए हैं, ना कहीं गैस है, ना कहीं कुछ है। सिलेंडरों की क्या स्थिति है, 1000 रुपए का सिलेंडर हो गया, कोई भरा नहीं पा रहा है। वर्तमान सरकार को आप कितने नंबर देना चाहेंगे? 00। वर्तमान सरकार को 00 देना चाहेंगे, ये कहना है। यहाँ के लोगों का कहीं ना कहीं महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार को अवसर दिया। हम ये नहीं कह रहे रोजगार का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता कि हमको नौकरी दी जाए। रोजगार का मतलब है कि ऐसे कुछ माहौल हमको बनाए जाएं, ऐसे कुछ अवसर दिए जाएं कि जिससे हम वहाँ पर अपनी कुछ आमदनी कर सकें और अपना घर परिवार चला सकें। वर्तमान सरकार को आप कितने नंबर देंगे? वर्तमान सरकार को हम पूरी तरीके से समझिए तो हम 10 में 4 ही नंबर देंगे। वर्तमान सरकार को 10 में 4 ही नंबर देंगे। हमारे साथ कुछ और युवा हैं, आइए जानते हैं उनका क्या कहना है। सर, क्या परिचय आपका? मेरा नाम हंसराज बजाज है और मैं यही शहर का निवासी हूँ, रायबरेली शहर का निवासी। मैं इस सरकार के बारे में इतना जानता हूँ कि बाकी जो भी है, सब चीज़ें जो भी है, मुझे उससे नहीं मतलब है। मैं एक भारतीय हूँ और मैं इस भारत के सुरक्षा की व्यवस्था को लेकर मैंने देखा है कि भाजपा सरकार ने सुरक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी तरीके से मजबूत की हुई है। इसके लिए मैं कोई पर्सनल कुछ नहीं कह सकता। सड़कें ख़राब है या जो भी है, प्रॉब्लम सबके साथ होती रहती है, लेकिन अभी इस सरकार को और मौका देना चाहिए मेरे हिसाब से, और आगे 5 साल इनको और मौका देना चाहिए। सुरक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी। सर, मेरा नाम आशीष सिंह है, मैं भी इस ज़िले का निवासी हूँ और हम लोग सब लोग स्पोर्ट्समैन हैं, जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं। चुनाव नज़दीक आ गए हैं, योगी सरकार अपने कार्यकाल को लेकर है, वहीं विपक्षी पार्टी महंगाई से लेकर किसानों के मुद्दे पर सरकार को लेकर, तो वर्तमान सरकार के बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, ये चीज़ बिल्कुल सही है, महंगाई तो बढ़ रही है, बेरोज़गारी भी एक बड़ा मुद्दा है और इसके लिए सरकार को ज़रूर काम करना चाहिए। बाकी सब काम अच्छे भी हो रहे हैं और सरकार अभी क्योंकि ज़्यादा कार्यकाल हुआ नहीं है, केंद्र में भी और राज्य में भी, तो अभी थोड़ा सा टाइम और देने की ज़रूरत है और उम्मीद ये करते हैं कि अभी और वो अच्छा काम करेंगे। धन्यवाद। सर, मेरा परिचय हेमकर दीक्षित मेरा नाम है, लोकल निवासी हूँ रायबरेली का। चुनाव आ चुके हैं, सभी पार्टियां अपने अपने तरीके से। मैं आपको एक बात बता देना चाह रहा हूं कि माननीय सोनिया गांधी सांसद हैं रायबरेली से और यहां कोई भी सड़क, कोई भी कार यहां किसी को दिखाई नहीं पड़ा है अभी तक, और जब चुनाव आता है तभी ये रायबरेली दिखाई पड़ती हैं, उसके अलावा दिखाई भी नहीं पड़ती हैं। और जब से चुनाव आ रहा है और अब सोनिया गांधी तो एक बार भी यहाँ रायबरेली में नहीं आई हैं अभी तक,
और रही बात बीजेपी की है तो बीजेपी को 5 साल और मौका दिया जाए क्योंकि तो अच्छा काम कर रही है, आगे करेगी। हमारे साथ एक युवा और हैं, आइए जानते हैं उनका क्या कहना है। क्या बच्चे हैं आपका? मेरा नाम करमवीर सिंह है, मैं भी चुनाव नजदीक आ गए हैं, सभी पार्टियां मैदान में कूद चुकी हैं, तो अब की बार वर्तमान सरकार को आप कितने नंबर देंगे? 10 में से 8। नंबर एक जैसे हमारे अभी बड़े भाई बजाज ने कहा, सुरक्षा राष्ट्रीय है, सबसे पहले हम भारतीय हैं, बाई कास्ट धर्म रीजन एज सेकेंडरी है, दूसरे कोई व्यवस्था परिवर्तित होती है या घर का हम लोग मरम्मत दुरुस्तीकरण कराते हैं तो सामान बिखरता है, अव्यवस्था होती है, लेकिन जब तैयार हो जाता है फिर से रंग पेंट करके तो हम उसको व्यवस्थित कर लेते हैं, वही देश में चल रहा है। सरकार को मैं 10 में से 8 नंबर देता हूँ। 2 नंबर इस विषय पर कि ये जो जानवर छुट्टा छोड़े गए सरकार ने नहीं छोड़े, हमारे आपके, मैं भी किसान परिवार से मिलान करता हूँ। भाई साहब 5 साल पहले के जानवर कहाँ से आ गए? तो मिली जुली प्रतिक्रिया आई है महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर। जहाँ लोगों ने सरकार को घेरा है वहीं अपराध और अपराध नियंत्रण माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई और देश की सुरक्षा के प्रति लोगों ने सरकार को सराहा भी है। उत्तर प्रदेश चुनाव 2022 का आगाज हो चुका है। योगी सरकार जहां अपने माफिया अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई हो, चाहे राम मंदिर हो, चाहे एक्सप्रेसवे के निर्माण को लेकर जनता के बीच में है, वहीं लगातार विपक्षी पार्टियां महंगाई और किसानों के मुद्दे पर लगातार सरकार को घेर रही हैं। प्राइम टीवी की टीम मतदाताओं का रुझान जानने के लिए आज ग्राउंड जीरो पर रायबरेली जिले के सदर विधानसभा क्षेत्र के इंदिरा नगर मोहल्ले में है। हमारे साथ कुछ युवा साथी हैं, आइए जानते हैं इस बार उनका क्या रुझान रहेगा। सर क्या नाम है आपका? हमारा आदित्य यादव। क्या है, सरकार चुनाव नज़दीक आ गए हैं? चुनाव नज़दीक आ गए हैं, सरकार जिस तरह से वादे की थे उस वादे में खरे नहीं उतरी है और आने वाला समय उनके लिए ज़्यादा अच्छा नहीं रहेगा। अपराध कहाँ खत्म हो गया? बराबर मेरी खुद की 2 गाड़ियाँ चोरी हो चुकी हैं, अभी 2 महीने पहले मेरे स्प्लेंडर प्लस चोरी हुई, उसके बाद अभी 2-3 दिन पहले 150 cc पल्सर चोरी हुई, तो अपराध कहाँ खत्म हो गया? बराबर चोरियाँ चल रही, बेरोजगारी बराबर बढ़ी हुई है और इसके चलते जो है हमको नहीं लगता कि सरकार अब दोबारा आ पाएगी। चुनाव आ गए हैं 2022, सभी पार्टियां जो है मतदाताओं को उठाने के लिए मैदान में, आपकी क्या राय है? मेरी तो ये राय है कि अपने यूपी के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी आदित्यनाथ योगी जी ने एक इतिहास रचा है, पूरे जनपद में नहीं पूरे जिले में पूरे यूपी के अंदर उन्होंने अपनी अलग पहचान है। क्राइम बंद हो गया, यहाँ तक कि शहर में जितना भी विकास हो रहा है तेज़ी से हो रहा है, और साथ ही साथ मैंने देखा कि भाजपा सरकार ने महिलाओं की बहुत तगड़ी व्यवस्था की है, तुरंत कोई अगर कॉल की जाती तो तुरंत के रहे, और उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बनाई है, मैं जितना भी उनके लिए कहूँ कम है। हम उजाला सिलेंडर दिया लोगों को, गरीबों के घर बनवा दिए, साथ ही साथ उनके लिए जितने शौचालय थे हर घर घर में उन्होंने सारी व्यवस्थाएं की है। विपक्ष कह रहा है कि महंगाई है बेरोजगारी है। हाँ महंगाई है, लेकिन महंगाई को देखते हुए बहुत ही जल्द वो काम करेंगे, चूँकि गरीब आदमी परेशान, लेकिन इतिहास ये है कि हिंदुस्तान में 70 साल के अंदर जो COVID-19 आया, मैंने देखा कि हमारे योगी जी ने तत्काल पूरे उत्तर प्रदेश में वैक्सीन की तत्काल व्यवस्था कराई है, और करीब करीब हमको लगता है पूरा देश इससे जुदा, लेकिन सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान इस मामले में कायम हुआ है। तो वर्तमान सरकार को आप कितने नंबर देना चाहेंगे? हम तो 100 में 100 देना चाहेंगे। वर्तमान सरकार को 100 में 100 नंबर देना चाहेंगे, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभ हो, चाहे वो अपराध नियंत्रण की बात हो, चाहे उज्ज्वला गैस कनेक्शन की बात हो, ये कहना है रायबरेली निवासी सदर विधानसभा के लोगों का। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि परिणाम क्या होता है, लेकिन जनता की राय मिली जुली आई है, कई सरकारों को घेरा गया है महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर, लेकिन अपराध नियंत्रण और विकास के मुद्दे पर योगी सरकार को सराहा भी गया है। कैमरामैन विपिन के साथ ओम शंकर शुक्ला, प्राइम टीवी रायबरेली। चुनाव को लेकर आज हमारी प्राइम टीवी की टीम है वो 132 विधानसभा चुनाव को लेकर यहाँ जलालाबाद के क्षेत्र गांव श्रीनगर में पहुंची है, जहाँ लोगों से जानने की 2022 में आखिर किस विकास क्या हुए हैं और किसको वोट करना चाह रहे हैं, और बीजेपी को करेंगे या फिर समाजवादी को या अन्य पार्टियों के लिए। तो सबसे पहले आपका गुरुजी हमारे प्राइम टीवी में स्वागत है।
ये बताइए गुरु जी, जैसे कि 2022 में जनता मूड में आखिर क्या मतलब विकास कार्य हुए हैं और 2022 मिशन को लेकर और क्या कुछ उन्होंने कार्यकाल आगे करवाने का निर्णय लिया है और किसको वोट आज 2022 में करना चाहिए? जैसा कि मेरा मानना है, बीजेपी का विकास एजेंडा है, अब वो केवल दिखावा है। जैसे राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के आधार बन रहा है और उसका श्रेय वो खुद लेना चाह रही है। जनता को अन्य जैसे महंगाई है, जैसे बेरोजगारी है, अन्य मुद्दों से वो भटकाना चाहती है कि हिंदुत्व का नारा दे करके हम वोट ले लें। जैसे किसानों को 2000 रुपये दे दिया, तो 2000 रुपये तो दे दिया कि हम 2000 रुपये दे दिया उन्हें, लेकिन उसका किसानों का खर्चा निकालिए तो वो तो कुछ नहीं बचता है। किसानों को नहाने धोने का साबुन भी नहीं उसमें मिल पा रहा है। बेरोजगारों को छलावे के अलावा कुछ नहीं हो रहा है सरकार में। जो मेरा मानना है, बीजेपी के माननीय प्रधानमंत्री योगी जी, वो मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री योगी जी टोटल 80% झूठ बोलते हैं और झूठ बोल करके अपने लंबे लंबे अच्छे अच्छे वायदों से जनता को लुभा करके वोट लेना चाहते हैं। मेरा मानना है कि जनता समझदार हो गई है, उनके बहकावे में आने वाली नहीं है। 2022 मिशन में अभी ये भी कहा है कि लैपटॉप वितरण करने का योजना बनाई है सरकार ने, और इससे पहले सपा के अखिलेश यादव ने लैपटॉप भी वितरण किया आजमगढ़ में जाकर के हैं, तो ऐसा क्या कहना चाहेंगे 2022 में ये चुनावी रणनीतियां हैं या फिर कहीं सरकार जो है बच्चों को लैपटॉप स्मार्टफोन वितरण कर पाएगी या नहीं? दिसंबर के मध्य में या अंत में आचार संहिता लग जाएगी। अभी तक लैपटॉप के फार्म भरे जा रहे हैं, जो सिर्फ जनता बच्चों को जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं उनको आकर्षित करने के लिए है। मेरा अपना मानना है कि लैपटॉप नहीं बट पाएगा, क्योंकि लैपटॉप बटने के लिए काफ़ी टाइम चाहिए। अच्छा, लैपटॉप की जगह पर भी अगर बांटेंगे भी तो कहीं किसी बच्चे को एक टेबलेट दे देंगे जो मैं 1000 रुपये का है, और वो अखिलेश की नकल कर रहे हैं। अखिलेश ने अपने संसदीय क्षेत्र कहाँ से है वो जो भी रहा उनका मुझे कन्नौज से, वहाँ पर उन्होंने अभी टैबलेट बांटे हैं बच्चों को, तो वो उनका कार्ड ढूंढ रहे हैं कि अब हम क्या करें। बीजेपी को तो ना उगलना आता है ना निगलना आता है, जनता को भ्रमित करते हैं। सरकार तो काफी वादे कर रही है कि विकास कार्य के लेकर गट्टा प्राइम टीवी की टीम है वो 132 विधानसभा जलालाबाद के गाँव श्रीनगर में पहुंची है, जहां आपको हम जानेंगे लोगों से उनके मूड के बारे में कि आखिर 2022 चुनाव को लेकर आखिर उनका क्या मूड है और किसको आखिर वोट करना चाहेंगे। यहां किस विधायक ने बीजेपी कार्यकाल में यानी कि कार्यकाल कार्य कराए हैं या कुछ कराए हैं, यहां की जनता से जानते हैं। आइए मेरे साथ। सबसे पहले धन्यवाद। 2022 चुनाव को लेकर आप किसको वोट करना चाहेंगे? समाजवादी सपा। क्या है सपा में जो आप सपा की तरफ वोट करना चाह रहे हैं? सपा में ये खासियत अगर है कि किसान की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रही है, किसानों की सहायता कर रही है, भाजपा के देखते हुए सपा सरकार हमारे लिए अच्छी है। जैसे कि हमारे साथ एक और भाई साहब जुड़े हैं, इनसे जानेंगे कि 2022 में आखिर किसको वोट करना चाह रहे हैं और किसके उनके दिमाग में क्या चल रहा है। बीजेपी को वोट करेंगे या सपा को वोट करेंगे या किसी अन्य पार्टी को, तो क्या नाम है भाई? संजय यादव जी। ये बताइए आप 2022 में किसको वोट करना चाहेंगे? समाजवादी। क्या है समाजवादी में कि लोग यहाँ के जो हैं पूरे समाजवादी की तरफ दिख रहे हैं? समाजवादी अच्छे काम करती है। क्या ऐसे कार्य किए हैं लगभग तब भी? हमारे गांव में समग्र में जितना काम हुआ वो इतना कहीं नहीं कर पाया भाजपा लोगों ने। तब भी बिजली है, लाइट है, ऊर्जा वाली प्लेटें लगवाई और सीसी रोड है, लेटरिन बनवाई है, कमरा भी बनवाए हैं जो लोगों को। और हमारे साथ एक युवा जुड़े हुए हैं, उनसे जानेंगे कि आखिर 2022 मिशन में किसको उन्होंने वोट करना वोट किया है। जी ये बताइए, आप युवा हैं, पढ़े लिखे हैं, आप भी आपको क्या लगता है कि 2022 में किसकी जीत हासिल हो और किस को 2022 में देखना चाहते हैं? ऐसा क्या है जो अखिलेश के आप 2022 में देखना चाह रहे हैं? उनकी 100 नंबर चलाई हुई है, उनका एम्बुलेंस चलाई हुई है, वो ही है तो जाम दूसरे हैं, लेकिन सरकार दूसरी है। लेकिन जैसे अभी अखिलेश है नहीं, आ जाएंगे तो वो अच्छे काम करेंगे, बढ़िया करेंगे। उनका काम मेरे गांव में अच्छा हुआ, श्रीनगर में अच्छा काम हुआ। 2022 में विधानसभा चुनाव है, यानी कि जो विधायक हैं, किसको विधायक को चुनना पसंद करें, किस कौन से विधायक हैं जिन्होंने आपके गांव के लिए विकास कार्य कराए? अभी तो विधायक हमें पता नहीं कौन से चुने हैं अभी।
अगर 2022 में अगर किसको आपको पसंद लगता है कि कौन विधायक हो जिसको हम वोट करेंगे? जो मतलब बसपा का होगा उसको सपोर्ट करेंगे। तो आपको जैसे कि बताया यहाँ भाई साहब और सभी लोगों ने जुड़े हैं और इन्होंने बताया कि 2022 में यानी कि समाजवादी का ही पत्थर लगाने की कोशिशों में लगे युवा पीढ़ी है सभी लोग। उनका कहना है कि 2022 में यानी कि समाजवादी पार्टी ही सही तरीके से हो। और हमारे साथ एक और युवा है, इनसे जानेंगे कि 2022 में आखिर किसको वोट करने की इनके अंदर दिमाग में चल रही है। नागेंद्र यादव। नागेंद्र जी, ये बताइए 2022 मिशन में आप किसको वोट करना चाहेंगे और अभी तक विकास कार्य क्या कुछ आपके गांव में बीजेपी ने करवाए? अखिलेश को वोट देंगे। ऐसा क्या है यानी कि सब जो सभी लोग हैं गांव के अखिलेश को वोट करना चाह रहे हैं, ऐसा क्या है? अखिलेश का काम बढ़िया लगता है। ऐसे क्या कार्य विकास उन्होंने करवाए हैं जिसको लेकर आप उनके तरफ थोड़ा करते हैं? अखिलेश ने बहुत काम सारा किया हमारे क्षेत्र में और उनकी बहुत कार्य योजनाएं वगैरह निकलती हैं, नौकरियां भी निकलती हैं। विकास ऐसे कराए हैं और बहुत सारे विकास कराए हैं, एम्बुलेंस चलाई है, 100 नंबर चलाई है शिक्षा के क्षेत्र में। आपके इधर अभी समय प्रेजेंट टाइम में विधायक कौन है, उन्होंने क्या विकास कार्य आपके गांव के कराए हैं? सरदीप विधायक हैं जलालाबाद से। विधायक ने क्या कार्य कराए हैं आपके गाँव में, विकास कार्य क्या कराए हैं? रोड बनवाए हैं, बिजली कराई है और सारे काम कराए, बहुत सारे काम। जैसे कि भाई साहब की द्वारा आपने सुना होगा कि 2022 में यानी कि हम यहाँ बीजेपी ने ऐसे कोई कार्य नहीं कराए हैं जिससे हम खुश हों, सभी लोग यानी कि समाजवादी पार्टी की तरफ आए, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने जो कार्य कराए हैं वो काफ़ी बेहतर हैं। और इसके साथ ही और भी हमारे साथी लोग जुड़े होंगे, उनसे जानेंगे कि आखिर क्या ऐसा 2022 मिशन जो चल रहा है इसमें देखा जा रहा है कि कई पार्टियां हैं जो लगातार जनसंपर्क कर रही हैं, लोगों को लुभाने में जुटी हुई हैं, क्योंकि चुनावी दौर चल रहा है, इसमें कहीं ना कहीं हर कार्यकाल देखे जाते हैं, सपा के कार्यकाल लोगों के मूड में हैं, कहीं बीजेपी के कार्यकाल हैं, उनको कहीं ना कहीं लगता है कि अभी तक जो सरकार ने सपा ने कार्य किए हैं और कहीं बीजेपी ने कार्य किए हैं। तो ऐसे में आज हमारा चुनावी मुद्दा यानी कि पब्लिक रिव्यू जो हमारा खास कार्यक्रम है, सबसे पहले पब्लिक रिव्यू में आपका स्वागत है और ये बताइए 2022 मिशन जो चल रहा है उसमें किसको आप वोट करना चाहेंगे, भाजपा को या सपा को, किसको वोट करना चाहेंगे? सपा के हैं सर्वेंद्र, सपा के भाई, सपा की मदद करेंगे। जैसे जो कुछ भाजपा, तो भाजपा ने तो बर्बाद दे से कर दो, भाजपा तो सब चीज ली गई, गाड़ी के का सब बेच रहे, हवाई जहाजा सब बेच लो, गाड़ी सब बेच नहीं, तेल जो कर दो 100 रुपया, खाद का 1500 रुपया, सब लूट लो, पूरा देश है लूट लो, अब फिर हुई हो तो लूट लिए, कतई बर्बाद कर दिए देश को। तो हम तो सपा में, सपा के आदमी हैं, कोई सपा में आएंगे, सपा की मदद करेंगे। अभी हमारे भाई साहब ने बताया कि जो सपा सपा का कार्यकाल है बहुत अच्छा रहा है और आगामी विधानसभा चुनाव में यानी कि वोट हमारा होगा वो बस सपा के लिए हो, क्योंकि बीजेपी से यहाँ कहीं ना कहीं ऐसे देखे जा रहे हैं कुछ कमियां हैं बीजेपी में जिससे लोग समाजवादी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। एक हमारे साथ यहाँ पर और भाई साहब जुड़े हैं, इनसे जानेंगे कि आखिर किसको 2022 में वोट करना चाह रहे हैं। अखिलेश यादव। ऐसा क्या है अखिलेश यादव में जो आप अखिलेश यादव को वोट करना चाहेंगे? बढ़िया आदमी है और मुख्यमंत्री सही है, मोदी से योगी से बहुत बढ़िया आदमी है, अपने क्षेत्र का आदमी है और विकास मतलब उसे जाति वास्ते कोई भेदभाव नहीं है, वो सीधा सीधा अपना काम करता है और मुख्यमंत्री वही बढ़िया अखिलेश जी। तो बाबा आप 2022 मिशन में किसको वोट करना चाहेंगे लगभग? सपा को, देखते सोई सपा को। फिलहाल सपा ने ऐसा क्या किया है जो आप सपा से पूरा? बहुत बड़े काम करे, अरे बहुत बड़े काम करे, जाने तो कुछ करेंगे लेते सब गरीब करे देते, देश गरीब हो जाते कतई, जो राशन देते तो देते कि किसान को देते, किसान को तो मारे थे, किसान को तो कुछ पता ही ना, गल्ला वो मद्दो खाद तेज किसान का करते। इस समय आपके 132 विधानसभा में इधर विधायक जो हैं कौन हैं और उनके कार्यकाल से आप कितना खुश हैं? कार्यकाल भी का कुछ सुना फसल तो कुछ भाई ना। जैसे जी विधायक हैं यहाँ के सरदीप विधायक हैं प्रेजेंट टाइम में, तो उन्होंने क्या कार्य आपके विकास कार्य कराए हैं आपके गांव के लिए?
शरद जी जाते हो कहाँ है जो कुछ वॉइस हुई होगी क्या है मोदी क्या है शरद जी के हाथ में कहा है अब ये तो शरद जी तो चुप रहा है डुके या डुके जैसे अभी बिल्ली ना डुकिया तो शरद जी डुके या शरद जी पूरी कमीना है जैसे कुछ है तैसे अपनी गुजर कर रहे व्यू और मान लो पन्नो सही है मान लो वहाँती सब वहाँ ना हमारे चाहिए आधे आधे हो तुम्हारे पास अखिलेश सही है इसमें अखिलेश है जब बढ़े वो तो वही शरदवीर को छुपा रहे ऐसा क्यों है कि मतलब शरदवीर आपके गांव के विकास के बारे में कोई मुद्दा उठा रहे हैं नहीं उठा रहे हैं कोई काम करवा रहे हैं अभी तक वो शरदवीर भाई जाना फिलहाल हम शरदवीर की चर्चा में कुछ भैया ना शरदवीर उठावे का शरदवीर कुछ उठाइए ना सका तब चुप्पा बैठे हैं शरदवीर की तो कोई बात है जो शरदवीर ने जो विधायक है यहाँ के वो सपा से हैं तो सपा के कार्यकाल ऐसे हैं कि क्या उनको कोई जिम्मेदारियां नहीं दी गई है कि गांव के विकास के कराने के ग्रामीण क्षेत्रों में किस तरीके से तो हमारे ये भाई चार पांच गांव को सड़क है तो ये ना काउ पार्टी में आ गई ये अब सड़क वही सड़क मुझे बनती है सड़क भी गई हुई है की सड़कें हैं वो शरदवीर के पहले की दी हुई हैं इससे अभी कोई मतलब यानी कि गांव में आपके ग्रामीण क्षेत्र में कोई सड़क का निर्माण कोई ऐसा विकास नहीं हुआ है जिससे आप ना भाजपा की ओर से कछु ना है वो शरदवीर ने जो कुछ कराओ हमारे गांव पहले भी कराओ अब कराओ तो सड़क जो चार पांच गांव के हैं सड़क ना जलवा पाई चार पांच गांव को सड़क नहीं अब बनती है बस जैसे कि यहाँ आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे कि यहाँ के जो लोग हैं यानी कि 132 विधानसभा जलालाबाद के गांव हमारी जो आज प्राइम टीवी की टीम है वो श्रीनगर में पहुंची है और यहाँ आपको हर व्यक्ति से रूबरू कराया है जिसमें लोगों ने बताया कि यहाँ जो है जहाँ तक है बीजेपी ने ऐसा कोई कार्य नहीं किया जिससे जनता खुश हो यहाँ सभी सपा पार्टी के लिए हित के लिए लड़ रहे हैं और सपा ने जो कार्यकाल कराए थे पहले उससे काफ़ी ये लोग खुश दिख रहे हैं और 2022 में कहीं ना कहीं ये 2022 में चुनावी बदलाव भी देखा जा सकता है क्योंकि यहाँ के लोगों के जिस तरीके से रुझान देखने को मिल रहे हैं तो कहीं ना कहीं बदलाव के हैं बीजेपी से जो कार्यकाल किए हैं उससे यहाँ कोई ऐसा कार्य नहीं किया कराया जिससे लोग खुश हों प्राइम टीवी के लिए शाहजहांपुर से आर्यन्द्र पाल सिंह देखिए आगामी 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के जो एक सर्वे चल रहा है सर्वे के आधार पर आखिरकार 2022 में होने वाले चुनाव के बाद कौन होगा उत्तर प्रदेश का मुखिया तो इस संबंध में हम खजुआ कस्बे में खड़े हुए हैं एक कपड़ा व्यापारी की शॉप के सामने खड़े हुए हैं हम कपड़ा व्यापारी से बात करते हैं कि 2022 में होने वाले चुनाव के बारे पे उनका क्या मत है कि हम दुकानदार से जानते हैं पहले तुम आपका नाम जानना चाहेंगे और करते क्या हैं और मैं एक ही बात और जानना चाहता हूँ कि 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव को आप किस तरह से देखते हैं मेरा नाम सूरज सिंह है और मैं कपड़े का व्यापारी हूँ और रही चुनाव के मुद्दा 2022 तो जब बीजेपी सरकार आई तो बीजेपी सरकार का जब आने का 2017 में सिर्फ दो ही मुद्दे थे एक बेरोजगारी और एक महंगाई आज की डेट में ये हाल है बीजेपी सरकार का कि अगर कोई भी नेता आता है अगर महंगाई मुद्दे पे बात की जाए पेट्रोल है गैस है किसी भी तरह का कोई भी बात है तो उस मुद्दे पे कोई बात करना नहीं चाह रहा कोई भी वो नेता हो कोई भी बीजेपी सरकार का कोई भी नेता हो अगर उससे महंगाई के विषय में पेट्रोल के विषय में गैस के विषय में कोई भी किसी भी तरह का कोई बात किया जा रहा है तो कोई बात करने के लिए नहीं तैयार अपने अपने सारे मुँह छुपा रहे हैं और मेरी राय तो ये है कि 2022 पे फिर से समाजवादी चुनाव समाजवादी पार्टी की सरकार बननी चाहिए क्योंकि जो सरकार समाजवादी पार्टी के जो भी मुद्दे थे उन्होंने जो भी कार्य लॉन्च किया था बीजेपी सरकार उनको पूर्णतया संचालित करने में भी विफल रही असफल रही जैसे इस समय देख लिया जाए तो 8 स्वास्थ्य सेवा कम गाड़ी हैं 8 एम्बुलेंस वगैरह दो भी चलाई तो आज बीजेपी सरकार उनको पूर्णतया चलाने में असमर्थ है आज ये हाल है कि उनकी सर्विसिंग टाइम से नहीं हो पा रही है रास्ते पे जो भी सवारी कोई भी पेशेंट को लेके जाती है और आधी दूर पे गाड़ियां बंद हो जा रही हैं आज यथास्थिति ये है कि आधी गाड़ियों की मरम्मत नहीं हो पा रही है और गाड़ियां खड़ी हो जा रही हैं तो जो 2000 अखिलेश सरकार ने जो भी व्यवस्थाएं की थी तो बीजेपी सरकार उनको पूर्णतया संचालित करने में भी असफल रही है
और रही बात ये कि अब 2022 पे तो हमारी लोगों की ये शाह है कि इस बार समाजवादी पार्टी को पुनः फिर आनी चाहिए। आपने जो भी बात की, बीजेपी सरकार अपने सारे कार्यों पे असफल होती नजर आ रही है, कोई भी किसी भी मुद्दे पे भाजपा का नेता बात नहीं करना चाहता, तो क्या आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी सत्ता पे आ जाएगी? तो कौन बनेगा 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में, कौन प्रदेश की मुखिया का पद संभालेगा, ये बताइए। 2022 पे अगर समाजवादी पार्टी आती है तो मुखिया के पद में तो पहले से भी हैं और वही चेहरा आएगा माननीय अखिलेश जी का, और उनके कार्यकाल में हम लोगों को, हमको क्या है, सब नए युवक जितना भी है, हर युवक को संतुष्टि थी, कार्य में भी ठीक था उनका, और जो भी व्यवस्थाएं थी तो ठीक थी, रोजगार भी ठीक था, नौकरियां भी थी, और बीजेपी सरकार में रही 3-5 साल से कोई भी उन्होंने किसी भी कार्य के लिए पद, रिक्त पद भी नहीं भरे हैं, जबकि सारे उनसे व्यवस्थाओं से पद की नियुक्ति भी नहीं कर पाए हैं। तो क्या लगता है कि समाजवादी पार्टी की सरकार लगभग यूपी में कितने सीटों में बहुमत प्राप्त करेगी? समाजवादी पार्टी की इस समय तो 400 प्लस में जाना चाहिए हमारे हिसाब से। तो आपके हिसाब से बीजेपी का पत्ता पूरी तरीके से यूपी में साफ है? बिल्कुल बिल्कुल सर, मेरे हिसाब से तो बीजेपी सरकार को बिल्कुल, आदमियों को, जो भी जनसमूह है, हम तो सबसे यह कहना चाहेंगे कि इस बार उसका बिल्कुल सफाया हो जाना चाहिए और बीजेपी सरकार को 5 साल के लिए बिल्कुल स्थगित कर दिया जाए। क्या आपकी नज़र में जो बीजेपी सरकार वर्तमान समय पर जो है ग्रामीणों को, गरीब लोगों को जो मुफ्त में अनाज दे रही, तो क्या इस बात से आप सहमत हैं, मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? नहीं, ये बात तो सहमति है, मिलना चाहिए, लेकिन ये है कि वो सरकार बीजेपी सरकार ही नहीं, ये तो कई सदियों से चला आ रहा है परंपरा, हर सरकार में था, हर सरकार में मिलता था, ऐसा नहीं है कि बीजेपी सरकार में ही मिलता था, सपा की सरकार में भी था, जब भी कोई आपत्ति आड़ बाढ़ विपत्त हुआ था तो उसमें भी बढ़ता था, ऐसा तो नहीं हमको लगा कि नहीं केवल बीजेपी सरकार में, या नहीं सपा की सरकार भी, तब भी हमको लोगों को अनाज मिलता था, सब में कोटे में जाते थे, सबको मिलता था, ऐसा तो नहीं है कि बीजेपी सरकार ही ऐसा कर रही है। मिश्रा जी, आपने कहा कि सपा और कांग्रेस में जो अंतर कलह सामने आ रही है, कोई जो है कोई पार्टी जातिवाद को बढ़ावा दे रही है, तो आपकी नज़र में 2022 में आखिरकार ये उत्तर प्रदेश का मुखिया कौन होगा, ये बताएं आप। उत्तर प्रदेश का मुखिया हम तो समझ रहे हैं, जो हमारी अपनी सोच है व्यक्तिगत, तो हम तो समझते हैं कि आदित्यनाथ योगी ने बहुत अच्छा संभाला, और कोई ऐसी घटनाएं जो घटनाएं विशिष्ट नहीं हुई जिनके आधार पर इन पर जो है कोई उंगली उठाए, और बकाया राजनीति का तो मामला ये होता है कि कोई छोटी सी घटना हुई तो उसमें भी जो है राजनीतिक पार्टियाँ जो है एक प्रश्न लगा देती हैं, तो मुझे तो इस समय जो है यही दिखाई पड़ रहा है कि योगी आदित्यनाथ चूँकि एक निष्ठा व्यक्ति है जिसको कोई अपने व्यक्तिगत मतलब नहीं रह गए, सामाजिक स्तर पर तो यही नज़र आ रहा है भाई, तो हम समझते हैं कि उनसे अच्छा कोई। तो मिश्रा जी बताइए, क्या आपको ये नहीं लगता कि जैसे कि आपने महंगाई के संबंध में बात किया, तो आज आम जनजीवन में महंगाई जो लोगों की नज़रों में चरम सीमा पर है, उसके बारे में क्या कहेंगे? महंगाई के विषय में देखिए, कुछ परिस्थितियाँ होती हैं, देश काल परिस्थिति पर कानून भी आधारित होता है। महंगाई की स्थिति ये है कि पहले तो आप कितने 17-18 महीने कोरोना से जूझते रहे, सारा व्यापार ठप हो गया, आयात निर्यात सब रुक गए, किसान का माल भी जो है समय पर नहीं पहुंच पा रहा था, तो ऐसी स्थिति में महंगाई तो बढ़नी चुकाई, कोई इसको नहीं रोक सकता था, चाहे सपा हो चाहे कांग्रेस हो, ऐसी स्थिति पर कहाँ महंगाई रुक सकती है। ऐसे में जनभावना भी एक आ रही है कि आप पार्टी के नेता भी कुछ उभर कर आ रहे हैं, हाँ, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? पार्टी का भी उत्तर प्रदेश में तो भाई कोई हमको ऐसा वो नहीं समझ में आ रहा है, भविष्य में चाहे भी कुछ हो, लेकिन आज हमको कोई स्थिति नहीं। अगला सवाल ये है कि आखिरकार जैसे कि लोगों के बीच जा कर के जो एक मामला निकल कर आता है कि इस समय ऐसा लगता है जैसे कि सपा का ग्राफ बढ़ रहा है, तो उसके बारे में क्या कहेंगे आप? हाँ, बढ़ रहा है, ठीक है, हमें नहीं लगता कि वो कुछ, हाँ ये है कि 10 सीट में 2 सीट 1 सीट ले सकती है सपा, लेकिन उसका जो तोड़ हमने देखा, हर इंसान के माने मानसिकता को देखा,
तो उनके सामने कोई ऑप्शंस नहीं दिखते। प्रधानमंत्री जी ने जो कुछ भी किया हमारे भारतवर्ष में, उन्होंने विश्व में भारत का नाम छाल के ऐसे ऊपर स्तर में ले गए। तो जो अच्छाइयाँ ज़्यादा हैं, बुराइयाँ तो होती ही हैं, हर इंसान में होती है, लेकिन ज़्यादा लोगों का यही कहना है कोई ऑप्शंस नहीं है। हम तो भाई मोदी जी को देंगे, योगी जी को देंगे, भाजपा को देंगे। तो आपके हिसाब से दुबे जी, लगता है कि बीजेपी अपनी सरकार बनाएगी, और लगभग ये बताइए कि कितनी सीटों पे बीजेपी विजय प्राप्त करेगी? हाँ, ये है कि विजय तो प्राप्त करना ही करना है, और दूसरे का कोई ऑप्शंस नहीं दिखते। लेकिन हाँ, ये है कि 10% और 15% के बीच वो अपना ले जाएं, और बाद बाकी जो है 20-25 मान लीजिए, क्या ऐसा 75% भाजपा को ही प्राप्त होना चाहिए। तो क्या दुबे जी ऐसा नहीं लगता है कि जैसे कि इसमें जो महंगाई का दौर चल रहा है और जो ये खर्चे हो रहे हैं, कोरोना काल में भी जो है गतिविधियां ठप रही हैं, जो महंगाई का दौर चला, इसके बाद क्या फिर महंगाई और नहीं बढ़ेगी? बढ़ भी सकती है और नहीं भी बढ़ सकती है। कारण है कि 2 वर्ष तो ऐसे कोरोना काल में लगभग ऐसे समय गया कि उसमें अपने विचार से आपने देखा, हमने 2022 में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर के दुकानदार और रिटायर्ड शिक्षक और ग्रामीण से बात किया, उन्होंने काफ़ी जानकारियां दी। उन जानकारियों में बहुत सारी ऐसी भी चीज़ें निकल कर आईं, जैसे कि कहना था कि अगर कोरोना काल में सारे काम स्थगित रहे हैं और अगर देश में प्रगति होगी तो धन का खर्च होगा, धन के खर्च के साथ में महंगाई ज़रूर बढ़ेगी। और किसी ने तो ये भी कहा कि आखिरकार इस बीजेपी सरकार से तो बढ़िया हमारी सपा सरकार थी, इस बीजेपी सरकार ने कुछ भी नहीं किया है। तो ज़रूर कहीं ना कहीं कोई ऐसी बात है। तो अब हम आपको फिर कल फिर दूसरे लोगों से मिलवाएंगे कि आखिरकार क्या है मामला। कैमरामैन नीरज के साथ अमरदीप त्रिपाठी, प्राइम टीवी फतेहपुर। जाना कि जनता का क्या मूड है और किसकी सरकार आने वाली है, लेकिन ये तो जनता का मूड है और आगे कुछ भी हो सकता है, कई बदलाव हो सकते हैं और ये चुनाव के बाद ही पता चलेगा कि इसमें क्या बदलाव होने वाला है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, आप देखते रहिए प्राइम टीवी।